एक दफा का जिक्र है। अब उसे को याद आया कि चांद पे मैच है, उसने रिक्शा बुलाया और चांद पे निकल पड़ा। वहां जाके उसने पहले मुंह धोया। चांद पे जाके उसको अंदाजा हुआ कि यहाँ पे तो सब कुछ जमीन जैसा ही है, तो उसने भागना शुरू किया, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि चांद पे ग्रेविटी नहीं है। जैसे जैसे वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचे, उन्होंने बोला बॉल के लिए टेप तो लाना ही भूल गए। टेप लेने के लिए अर्थ पे वापस गए। अर्थ पे वापस आते आते उसका पेट्रोल खत्म हो गया। सिगरेट जलाई तो उनको याद आया कि यहाँ पर स्मोकिंग मना है। तो उसके दिमाग में बहुत एक ख्याल आया कि क्यों ना उसके अंदर वन नंबर किया जाए। इतने में सारे हिजड़े आ गए उसके। हिजड़ों के आने के बाद अबूजर ने बोला क्यों ना एक के साथ दम दमादम किया जाए। तो अब इतने में उसकी अम्मा की कॉल आ गई, दही लेकर आओ। अबूजर ने कहा मुझे दही मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा दूध चाहिए होगा। फिर वहीं से खड़े कुसरे ने बोला हे चिकने यार लेना दूध। अबूजर ने कहा लाओ दूध। अबूजर दूध डालने के लिए पतीला घर से ले आया। अम्मा ने बोला दोबारा दूध ले आओ। उसने दोबारा हिजड़े से दूध मांगा तो उसने मना कर दिया। तो अबूजर ने सोचा क्यों ना खुद की दूध निकाल ली जाए। ये क्या कर रहे बेटा, किंग और जाया करो। अबूजर ने कहा नहीं अंकल, मेरे अंदर से यही निकलता है। और उसके बाद जैन भाई की कॉल आती है और फोन में थूकते हैं और बोलते हैं कहाँ बेटा जल्दी आओ चांद पे, मैच लेट हो गया। और अबूजर ने वही नाना टाइट करा और ऊपर चल पड़ा। उसको हाई इतनी जोर से थी कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो फौरन निकल गई। निकलने की वजह से स्पेस गीला हो गया और स्पेस पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अबूजर जैसे जैसे वापसी आ रहा था, अबूजर की बाइक दूसरे पहले से टकरा गई। इतने अबूजर की आँख खुल गई। आँख खुली तो याद आया कि उसने जो पेशाब किया था वो बिस्तर में ही हो चुका था।